नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, एमसी सिंगला बैंकर्स पेंशन अपडेशन केस जो 12/5/23 को हियरिंग के लिए फिक्स था, नाउ अगेन एडजॉर्नमेंट फॉर द डेट 4 जुलाई 2023 आफ्टर समर वैकेशन। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट साइट पे ये दिख रहा है कि ये जो 12/5/23 का डेट नियत था वो अब 4 जुलाई 23 हो गया है, यानी कि आफ्टर समर वैकेशन ये इनलिस्ट हुआ है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि 20/1/22 के बाद से कोई सुनवाई नहीं हुई है, केवल डेट पे डेट और हर डेट पर अगला डेट एडजॉर्नमेंट हो जाता है और कोई उस पर हियरिंग नहीं होती है। जबकि 20/1/22 को कोर्ट ने कहा था कि 3 महीने के अंदर IBA अपना पेंशन कमेटी का जो रिपोर्ट है वो सबमिट करें, लेकिन वो अप्रैल का दिन नियत था 20 अप्रैल 22 के बाद भी कोई तारीख पड़ता ही गया और अब 4 जुलाई का डेट आ गया है। हम किसको ब्लेम करें, हुम टू ब्लेम? अगर यही कार्यवाही, अभी आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले कोर्ट के जस्टिस के रिटायरमेंट बेनिफिट में कोई डिले होने के कारण उन्होंने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को अरेस्ट करने के लिए आदेश दिया, यानी कि अगर आपके रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने में देर हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बैंकर्स के किसी चीज में डिले हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बातें भी बहुत करते हैं, लेकिन इस केस में जबकि हमारे जितने भी पेंशन एक्टिविस्ट हैं उनको कोई ना कोई पत्र लिख के उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे केस में सुनवाई ही नहीं हो रही है। आगे की बात, आगे का क्या भविष्य होगा ये तो कुछ नहीं पता, लेकिन इसमें सुनवाई हो नहीं रही है। बैंकर्स कहाँ जाएं, रोड शो करें, क्या करें, धरना प्रदर्शन कितना करेंगे या फैशन शो करें, क्या करें ताकि हमारे जजिस्ट्री को इस बात का इल्म हो कि बैंक पेंशनर भी एक इंसान हैं और उनके केस की सुनवाई अगर आप जल्दी नहीं कर सकते हैं तो टाइम से करके उस पर अपना डिसीजन दें ताकि आगे की रास्ता भविष्य बन सके। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।